हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभम एंड आई एम वन ऑफ द फैकल्टीज एट रॉकफोरश्योर। आज हम लोग सेकंड पार्ट में ये देखेंगे कि जो बेसिक कॉर्ड्स है उन्हें होल्ड कैसे करते हैं गिटार पे। तो फ्रेंड्स, कॉर्ड होल्ड करने से पहले हमें फिंगर नंबर जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा पहला फिंगर है, दिस इज सेकेंड फिंगर, दिस इज थर्ड फिंगर एंड दिस इज फोर्थ फिंगर। अब इसके अलावा फ्रेट नंबर भी पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा पार्ट है, ये पहला फ्रेट है, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। ये हमारा सेकंड फ्रेट है एंड काउंटिंग के बारे में भी, जैसे ये फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब आपको एक नंबर याद रखना है जो कि है 5-6-1। अब हम ये करेंगे कि पहली फिंगर से सेकंड फ्रेट में फिफ्थ स्ट्रिंग प्रेस करेंगे, 1-2-3-4-5। देन इस फिंगर को हम लोग ऐसे ही रखेंगे एंड देन सेकेंड फिंगर को हम लोग प्रेस करेंगे सिक्स स्ट्रिंग पे और थर्ड फ्रेट में, तो 1-2-3-4-5-6। एंड देन इसी थर्ड फ्रेट में हम लोग थर्ड फिंगर का यूज करके प्रेस करेंगे फर्स्ट, ऐसे। तो अगर आप देखेंगे कि 5 जो कि मैंने सेकंड फ्रेट में होल्ड कर रखा है, 6 जो कि मैंने थर्ड में होल्ड कर रखा है एंड देन 1 जो कि अगेन मैंने अपनी थर्ड फिंगर से थर्ड फ्रेट में होल्ड कर रखा है। एक बार आप ये शेप होल्ड कर लिया है आपने, आप इसमें इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी जो फिंगर्स है ये फ्रेट लाइन के जस्ट पीछे हो। तो बिगनर्स को इससे फ़ायदा ये होता है कि उन्हें फिंगर से कम प्रेशर लगाना पड़ता है एंड साउंड आपका अच्छा आता है। एक बार आपने ये शेप होल्ड कर लिया है और फिर आप इस पे 4 डाउन स्ट्रोक्स दीजिए कुछ इस तरह, अब सेकंड कॉर्ड को होल्ड करने के लिए आपको जो नंबर याद रखना है वो है 3-1-2। तो अगेन ये सेकंड फ्रेट से स्टार्ट होगा और हम लोग अगेन हमेशा की तरह पहली फिंगर का पहले यूज़ करेंगे, तो वैसे होगा 1-2-3-3 पे, यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया है इसे। देन अगेन सेकंड फिंगर में ही 1 को मैं प्रेस करूँगा यूजिंग माई सेकेंड फिंगर 1। तो 3 और मैंने प्रेस कर लिया है और अब हम लोग प्रेस करेंगे 2 जो कि होगा थर्ड फ्रेट में, 1-2 कुछ इस तरह। एंड देन अगेन सेम जैसे हमने इससे पहले वाले कॉर्ड पे डाउन स्ट्रोक दिए थे, इस पे भी हम लोग 4 डाउन स्ट्रोक देंगे और इस कॉर्ड का नाम है फ्रेंड्स डी मेजर। ये आज का हमारा लास्ट कॉर्ड है और इसके लिए जो आपको नंबर याद रखना है वो है 2-4-5। अब इसमें ये जो 2, 4 और 5 है ये तीनों अलग अलग फ्रेट में है, जैसे 2 सबसे पहले फ्रेट में है और आप पहली फिंगर से प्रेस करेंगे 1-2। 4 सेकंड फ्रेट में है फोर्थ स्ट्रिंग पे एंड देन थर्ड फिंगर होगी थर्ड फ्रेट में फिफ्थ स्ट्रिंग पे एंड देन इस पे अगेन हम लोग 4 डाउन स्ट्रोक देंगे। अब इस इनके शेप को प्रैक्टिस कैसे करना है ये अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको ये करना है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले 5-6-1 के शेप को हम लोग लेते हैं, तो 5 पे मैंने सबसे पहले अपनी पहली फिंगर रखा एंड देन मैं एक डाउन स्ट्रोक दूंगा, देन 6 को मैं रखूंगा थर्ड फ्रेट में दूसरा डाउन स्ट्रोक दूंगा, देन तीसरी फिंगर को मैं 1 पे रखूंगा एंड देन तीसरा डाउन स्ट्रोक दूंगा एंड देन 4 डाउन स्ट्रोक मेरा रहेगा इस कंप्लीट कॉर्ड पे। अगेन इसके बाद में मैं अपना पूरा हाथ छोड़ दूंगा, अगेन सेम शेप पे मैं यही चीज़ बार बार करूंगा। 5 मैंने प्रेस किया, एक डाउन स्ट्रोक दिया, 6 प्रेस किया, सेकंड डाउन स्ट्रोक, 1 प्रेस किया, थर्ड डाउन स्ट्रोक एंड फोर्थ डाउन स्ट्रोक कंप्लीट कॉर्ड पे। इससे बेसिकली आपको कॉर्ड शेप्स बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएंगे जो कि शिफ्टिंग के दौरान आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन सब चीज़ों से। यही चीज़ों को आपको आगे जो 2 कॉर्ड्स है उस पर भी करना है, जैसे 3-1-2 पे हम इसे ऐसे करेंगे, 3 पे एक फिंगर रखा हमने पहला फिंगर, सेकंड फिंगर रखा सेकंड डाउन स्ट्रोक 1 पे, 2 पे थर्ड फिंगर रखा एंड देन थर्ड डाउन स्ट्रोक एंड देन 4 डाउन स्ट्रोक कंप्लीट कॉर्ड पे एंड लास्ट सी मेजर पे 2 पे पहला फिंगर रखा फर्स्ट डाउन स्ट्रोक, 4 पे सेकंड फिंगर रखा सेकंड डाउन स्ट्रोक, 5 पे थर्ड फिंगर रखा थर्ड डाउन स्ट्रोक एंड 4 डाउन स्ट्रोक कंप्लीट कॉर्ड पे।